भगवान, समीर को जिता दो, हे भगवान, समीर को जिता दो, हे भगवान, समीर को जिता दो, हे भगवान। क्या बकवास कर रही हो शीना? ये तुम्हारी वजह से एक दूसरे के जान के प्यासे हैं। प्लीज समीर के साथ चली जाओ। क्या? हाँ, वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें इतना प्यार करने वाला और कोई नहीं मिलेगा। पागल हो गई हो तुम? तुम मेरी सहेली है या उसकी वकील? प्रॉब्लम क्या है तेरा? मैं चेतन से प्यार करने लगी हूँ। प्लीज शीना, मेरे प्यार के खातिर समीर को अपना लो। भाड़ में गया तेरा प्यार, तो तुम नहीं मानोगी? नहीं, नो प्रॉब्लम। तूने मुझसे धोखा किया। प्यार में सब कुछ जायज है शीना। लो समीर, इसे खटिया से बांध। हाँ, ख्याल बुरा नहीं है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। लो समीर, ये लो, ये लो, ये लो। इको मत, चला बैठ जाएगा। और प्यास लगी तो यहाँ जंगल में पानी भी नहीं मिलेगा। चुपचाप बैठी रहो। सड़क के रास्तों से खतरा है, इसे पहाड़ियों से ले जाओ। लेकिन तुम? मुझे इन्हें होश में लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। तुझे हाँ शादी में बुलाना मत भूलना। कौन तुम लोग? कौन तुम लोग? तेरी तो मेरी गाड़ी। ओए ओए मेरी गाड़ी। क्यों ताकत खर्च कर रही हो? अब छूटना नामुमकिन है। एक लड़की को जानवर की तरह ले जा रहे हो, कैसे मर्द हो तुम? ये कोई तरीका है लड़की के साथ बिहेव करने का? अच्छा, अब एहसास हुआ तुम्हें अपनी औरत होने का? क्यों, तुम तो मर्दों की मर्द हो ना? बड़ा शौक है ना तुम्हें उन्हें नीचा दिखाने का? एक बार छूट जाने दो, तुम्हारे गले में कुत्ते का पट्टा पहनाकर घुमाऊंगी। अब तो तुम शादी के बाद ही छूटोगी। भाई, हमने तो फैसला कर लिया है अभी से जोरू की गुलामी करने का। अब पट्टा पहनाओ या पट्टी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारे नाम का मंगलसूत्र पहने रखना। शीना, अपना हाथ दो हमें। अरे प्यार में तो हाथ में हाथ नहीं दिया, अपनी जान बचाने के लिए तो दो। शुक्रिया अदा कर रही हो या पैसे उधार मांग रही हो? तो और कैसे शुक्रिया अदा करूं? वो भी सिखाना पड़ेगा। चलो सिखा देते हैं। प्यार में शुक्रिया ऐसे अदा करते हैं। हम तो प्रेम और अहिंसा के सिद्धांत के पुजारी हैं, तुम जितने थप्पड़ मारोगे हम उतनी किस करेंगे।
यहाँ कैसे आया? आए नहीं, बेचारी बड़ी मुसीबतों का सामना करके तुम्हें यहाँ लेकर आई है। कौन? बड़ी पतिव्रता पत्नी है तुम्हारी, बेचारी ने 3 घंटे से पानी का एक घूंट तक नहीं पिया। कमाल है, बेहोश होने से पहले तो मैं कुंवारा था, होश में आते ये पति कैसे हो गया? लगता है चोट की वजह से दिमाग पर असर हो गया। तुम्हारा मतलब है कि मैं पागल हो गया हूँ? अरे मेरी कोई पत्नी होती नहीं है। जो ऊपर बैठी है वो कौन है फिर? तू, तू नहीं मुझे मारा था ना? छोड़ूंगा नहीं तुझे। रुक, भागती किधर है? चेतन, चेतन, तुम ठीक तो हो ना? चेतन, अजीब लड़की हो यार, खुद ही मारती हो और खुद ही बचाती हो, आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? यही कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। I love you, I can't live without you. नहीं, ये नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्या कमी है मुझमें? क्या मैं शीना की तरह खूबसूरत नहीं? या उसकी तरह एजुकेटेड और कल्चर नहीं? अरे वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है जो सिर्फ एक शर्त जीतने के लिए उसके पीछे पड़े हो? ये मेरा जाती मामला है, इस नॉट ऑफ योर बिजनेस। जब मैंने तुम्हें अपना मान ही लिया है तो तुम्हारा हर मामला मेरा है, तुम्हारे हर सुख दुख में मेरा भी हिस्सा है। सुख दुख और सपने बांटने निकली हो? अरे कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, आखिर जानती क्या हो तुम मेरे बारे में? हाँ, ये गाड़ी वही है? गाड़ी तो यही है, लेकिन मेरी बेटी कहाँ है? डिक्की में चेक करूँ सर? शट अप, वो दूसरी गाड़ी में आगे गए होंगे। अभी आपका ये मतलब है कि सब गाड़ियाँ चेक करें? सेठ जी मेरी मानिए, ये सब छोड़िए, वो लोग शर्त के मुताबिक गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे। हाँ। इसी भी रास्ते से जाएंगे, पहुंचेंगे तो वही ना, और आपको तो बॉम्बे पहुंचना ही है क्योंकि चेतन के पापा जो आने वाले हैं। मुझे भी वही समझ में आता है, लेट्स गो टू बॉम्बे। चलो, ये नहीं हो सकता। पर क्यों? तुम्हारे इस क्यों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। तुम्हें अगर मेरे प्यार को ठुकराना है तो तुम्हें इस क्यों का जवाब देना ही होगा। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? शीना को पाना मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। कितनी नसीब वाली है शीना, इसके प्यार के बगैर दो दो नौजवान जी नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, तुम मार दो मुझे, मार दो, अपने हाथों से मेरा गला काट दो, प्लीज मैं जीना नहीं चाहती, मार दो मुझे, मार दो। मैं शीना को नहीं चाहता। तो फिर उसे हासिल करना तुम्हारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल क्यों है? मैंने एक खतरनाक आदमी का लाखों का नुकसान किया है और उसने मेरी जान बख्शने के बदले में शीना को उस तक पहुंचाने का सौदा किया है। मैं कोई चेतन मेहता नहीं हूँ, मेरा नाम विक्की है, विक्की, एंड आई एम अ ब्लडी फ्रॉड। क्या तुम अभी मुझसे प्यार करती हो? हाँ, ये दिल का सौदा है, एक बार हो गया सो हो गया, फिर नफा क्या और नुकसान क्या। पर एक बात का अफसोस जरूर रहेगा, जिसकी मर्दानगी से दिल लगाया वो अपनी जान बचाने के लिए किसी लड़की की जान दांव पर लगा चुका है। तो क्या करूँ मैं? हाँ? लड़ो, तुमने गलती की है तो इसे बचने का बहादुरी वाला रास्ता भी तुम ही निकालो। सोच लो, इससे तुम्हारे प्यार की जान भी जा सकती है। परवाह नहीं, अगले जन्म में मिलेंगे। एक काया की बीवी बनने से अच्छा एक मर्द की विधवा बनना ज्यादा पसंद करूंगी। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी रेशमा, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस अनाथ से कोई इतना प्यार भी कर सकता है। अरे ब्रिज क्या, मैं तो सारे जहां से लड़ जाऊं तेरे प्यार के खातिर।
मुझे हमला क्यों किया बोल? प्रीत साहब के हुक्म से। उसने मुझे मारने का हुक्म क्यों दिया? क्योंकि तुम इस लड़की के चक्कर में उनको डबल क्रॉस कर रहे थे, ये खबर मैंने उनको दे दी। तू उसका जासूस है? और क्या बताया उसको बोल? और समीर शीना को लेकर गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचने वाला है, ये भी बता दिया मैंने उनको। और उसका अगला प्लान क्या है बोल? उनको वहां से उठा लेने का। रेशमा आ जाओ। तुम्हारी और मेरी मंजिल एक ही है, शीना और रेशमा। हमें आपसे प्यार हो गया है और हम आपसे शादी करना चाहते हैं। अब प्यार की दुहाई दी है तो जान भी मांग लो, दे देंगे। तुम तो हमारी जान हो, ऐसे थोड़े ही ना मरने देंगे तुम्हें। चलो, ये चांदनी रात, ये मस्त समा, प्यार करने वाले दो दिल हमेशा इसके लिए तड़पते हैं। पर अफसोस, यहां एक दिल तो बेताबी से तड़प रहा है, पर दूसरे दिल ने तो पत्थर बने रहने की ठान ली है। फिर भी हम तो तुम्हें पागलपन की हद तक चाहते हैं। टीना, तुम्हें इतना प्यार करने वाला और कोई नहीं मिलेगा।